दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कप्तान माफ कीजिएगा पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अभी एमएस धोनी के संन्यास पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और जनवरी 2017 में भारत के सीमित ओवरों के क्रिकेट में कप्तानी भी छोड़ दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहता है और 14 जुलाई को लॉर्ड्स में विश्व कप जीतता है तो यह एक आदर्श विदाई होगी इस महान कप्तान के लिए। बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये कोई कुछ नहीं बता सकता कि धोनी कब क्या कर दें। ऐसे में कयास यह लगाए जा रहे हैं कि धोनी विश्व कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने कप्तानी भी अचानक छोड़ी, अब वो क्रिकेट को भी कभी भी अलविदा कह सकते हैं। बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 में धोनी के प्रदर्शन को लेकर काफ़ी आलोचनाएं हो रही। स्लो बैटिंग के कारण धोनी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट के निशाने पर हैं। धोनी ने अब तक वर्ल्ड कप 2019 में 9 मैच खेले हैं जिनमें 260 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 52 गेंदों में 28 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वह आखिरी वक्त तक डटे रहे और बड़े शॉट लगाने की कोशिश तक नहीं की। वर्ल्ड कप 2019 में धोनी के प्रदर्शन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 34 रन बनाए और एक स्टंपिंग की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन और एक कैच लपका। पाकिस्तान के खिलाफ एक रन और कोई कैच नहीं और ना ही कोई स्टंपिंग। अफगानिस्तान के खिलाफ 28 रन और एक स्टंपिंग, जबकि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 56 रन और एक स्टंपिंग और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 46 रन बनाए जबकि कोई कैच और स्टंपिंग नहीं की। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि महान धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप और 2010 और 2016 एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है। महेंद्र सिंह धोनी की गिनती भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में होती है। आईपीएल में उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018 और 2019 में आईपीएल का खिताब भी अपने नाम किया है। धोनी ने 341 वनडे मैचों में 50.72 की औसत से 10,561 रन बनाए हैं, जिसमें 71 अर्धशतक शामिल हैं। 90 टेस्ट मैचों में धोनी ने 4876 रन बनाए हैं। साथ ही साथ 98 टी20 इंटरनेशनल मैचों में धोनी ने 1617 रन बनाए, लेकिन पिछले एक वर्ष से धोनी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का शिकार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या धोनी को इसी वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या फिर उन्हें कुछ और साल खेलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।